छोटे बच्चे अक्सर बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। हालांकि नवजात शिशु का या फिर एक या दो साल तक बच्चे का बिस्तर पर पेशाब करना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल से ज्यादा उम्र का है और वो अक्सर बिस्तर में पेशाब कर देता है तो ये आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। हालांकि कुछ माँ बाप अपने बच्चों की इस गलती पर उन्हें डांटने लग जाते हैं, जो ठीक नहीं है। उन्हें इस चीज के लिए डांटे नहीं और ना ही उन पर चिल्लाए, क्योंकि ऐसा करने से उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 6 से 7 साल की है और वो बिस्तर पर पेशाब करता है तो इस बात को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि अगर आपके बच्चे बिस्तर गीला कर रहे हैं तो इसके पीछे कई खास वजह हो सकती है, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन, शाम को ज्यादा पानी पीना। इसके अलावा जब बच्चे अक्सर गहरी नींद में होते हैं तो वो बिस्तर को गीला कर देते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे के रोजाना बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुनिए देश भर के काबिल हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान जी को। अगर घरेलू नुस्खा चाहते हैं तो आप समझ लीजिए, देखिए दो अखरोट, वो भी ऐसे जो आपको घर में तोड़ के उसकी बीग निकालनी है, और 10 किशमिश, दो अखरोट 10 किशमिश रोज़ाना उस बच्चे को रात को सोते वक्त खिलाया करिए। और इसके लिए माजून अखरोट प्राश भी आती है, अगर 4-5 महीने आप इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है।